रीवा शहर में संचालित दुकानों के बाहर नियम विरुद्ध तरीके से सामग्री रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की। पुलिस ने सड़क पर रखा सामान जब्त कर दुकानदारों को दुकान के अंदर ही सामान रखने की हिदायत दी है। दोबारा सड़क पर सामग्री रखी मिलने पर जुर्माने की कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। रीवा शहर के बाजारों में दुकानदारों द्वारा दुकान की सामग्री दुकान के बाहर रखा जाता है, साथ ही दुकान पहुंचने वाले ग्राहक भी अपने वाहन सड़क पर ही पार्क कर देते हैं, जिसके कारण आए दिन अघोषित जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। नगर निगम व पुलिस द्वारा कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद यातायात पुलिस ने थाना प्रभारी दिलीप तिवारी के नेतृत्व में शिल्पी प्लाजा, मृगनैनी तिराहा, कला मंदिर, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा, नगर निगम के समीप कार्यवाही की। दुकान के बाहर सड़क पर रखा सामान को जब्त कर करीब एक सैकड़ा दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, साथ ही नो पार्किंग में खड़े वाहनों को भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था व अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। सर, आज शहर में अतिक्रमण में कार्रवाई की गई है, ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली? आज हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सर अंदर हमने जो मार्केट के जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे अधिकांशतः जाम लगता, जैसे शिल्पी प्लाजा मार्केट हो गया, वेंकट रोड हो गया, प्रकाश चौराहा हो गया, रसिया मोहल्ला हो गया, यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत सारी रीवा की पब्लिक जो है शॉपिंग करने आती है, लेकिन चूँकि इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इतने जो मैनिक्यू खड़े हो जाते हैं दुकानदारों के द्वारा, अपना अपना सामान जो है दुकान के सामने लगा लिया जाता है रोड पे, जिससे जो ग्राहक आते हैं वो तो शॉपिंग कर ही नहीं पा रहे हैं और वो बाहर निकल जाते हैं या तो अपनी गाड़ी फिर रोड पे खड़ा करते हैं, जिससे जाम लग जाता है। नॉर्मल ट्रैफिक भी उसी रोड से चलना है, बाज़ार भी उसी रोड में है और ग्राहकों को भी आना है, तो इस तरीके की समस्याएँ आ रही थी, उसका निजात दिलाने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमने जो है एक टीम गठित करके और ऐसी दुकानदारों पे कार्रवाई करते हुए उनको समझाइश दिया है कि आप अपने सामान को जो है दुकान के अंदर रखा करें और अपने जो कर्मचारी और आपके जो भी स्टाफ है उनकी गाड़ियां आपको छोड़ के मार्केट दुकान तक आएँ और फिर वापस घर चली जाएं, ताकि ग्राहक के लिए जगह मिल जाए। आपकी दुकान में ग्राहक आ रहा है, आपका ही सामान लेने आ रहा है वो, तो उसको जगह तो दो आप गाड़ी खड़ी करने के लिए, तब तो आपकी दुकान में ठहर पाएगा, सामान रख पाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए आज हमने पूरे मार्केट में ऐसे दुकानदारों को समझाइश भी दी है और कुछ का सामान भी जब्त किया है, सामान उसका छोड़ देंगे। हमारा उद्देश्य जो है केवल और केवल ये था कि रोड क्लियर रहे, लोगों के द्वारा अतिक्रमण ना किया जाए, जो भी ग्राहक आए वो आसानी से मार्केट कर सके और सुविधा अनुसार जा सके। बहुत सारी एम्बुलेंस उस रास्ते से गुजरते हैं, बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि और आम जनता सभी उसी मार्केट से गुजरती है, उनको कोई दिक्कत ना हो, इस उद्देश्य से हमारा जो लक्ष्य है रोड को क्लियर रखना है, एक सुगम यातायात देना है, यही हमारा उद्देश्य, इसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई। दुकानदारों के सामान के चालान भी काटा गया? देखिए, ऐसा विशिष्ट चालान नहीं काटने का वो है हमारा उद्देश्य, हम तो उनका सामान जब्त करके लाए हैं, नॉर्मल जो भी चार्जेस होते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसका करके छोड़ देंगे, लेकिन चालानी कार्रवाई इन्फोर्समेंट किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इन्फोर्समेंट पार्ट है किसी चीज़ का। हम सभी दुकानदारों से ये अपील करेंगे कि अपना सामान दुकान के बाहर ज़्यादा ना लगाएं और खाली रखें, स्वच्छ दुकान को रखें, ताकि ग्राहकों को भी दुकान का सामान दिखना चाहिए कि ये दुकान है, दुकान का सामान ही नहीं दिखता, इतनी रोड पर बाहर लगा देते हैं दुकान की, ना सामान दिख रहा वहीं पर ग्राहक खड़े हो जाते हैं, तो धन्यवाद भाई। आप लोगों के अंदर आए उसको समझाएं, बोले कहीं, तभी सुधार होगा।
लोड हो जाएगी फिर कहोगे और।